नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग का प्रेम और स्नेह जो हमको मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहिए और निश्चित ही मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। तो आपकी क्लासेस जैसे कि अभी कुछ दिन से नहीं चल पा रही थी, लेकिन जहाँ तक पूरा सेटअप हो चुका है, 1 जुलाई से या 2 तारीख से आपकी क्लासेस जो है रेगुलरली चलेंगी अच्छे तरीके से। तो जैसे कि हम लोग जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था कि रीजनिंग का मैंने स्ट्रेटजी बना दी है और वो पूरा मैं कवर कराऊंगा आपका CHSL के एग्जाम के पहले पहले, मतलब कि सितंबर के पहले पहले मैं वो सारा चैप्टर कवर करा दूंगा जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जल्द ही 4-5 दिन में ही आपकी जो है प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें कि हम महामैराथन लेकर आएंगे, जिसमें आपको जो है 60-70 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के जो है स्पेशली मिलेंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। जैसा कि हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे, डायरेक्शन में जब हमने महामैराथन पिछली बार लाया था तो उसमें मैं टाइप 6 तक बता दिया। तो टाइप 6 के आगे आज हम लोग टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, 3 टाइप बचे हुए थे उसमें, आज हम वो 3 टाइप डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं टाइप सेवन के लिए सिर्फ आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर कहीं भाई उनको पता है कि ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण, ठीक। अगर मैं ये कहूं कि पूर्व दिशा के लेफ्ट साइड क्या होगा, ठीक, पूर्व दिशा के लेफ्ट साइड क्या होगा या बाई ओर क्या होगा, आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग सभी लोग। तो चलिए हम देखते हैं, पूर्व के अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए या बाई तरफ की बात की जाए तो पूर्व के बाई तरफ जो है हमारा उत्तर होगा। पूर्व के लेफ्ट या बाई ओर, तो पूर्व के लेफ्ट या बाई ओर जो होगा वो उत्तर होगा और पूर्व के राइट या दाई ओर जो होगा वो आपका दक्षिण होगा। उसी प्रकार अगर पश्चिम की बात की जाए, हेलो आशीष, मुकेश, मोहित, तो पश्चिम की अगर बात की जाए, हाँ पूरा जो है पिछला वीडियो आपके प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी पिछला वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम की, अब ये दक्षिण जो हो जाएगा आपका, पश्चिम का क्या हो जाएगा बताइए, पश्चिम का राइट जो है दक्षिण हो जाएगा और पश्चिम का जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। यानी कि पश्चिम ये है आपका, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पूर्व की तरफ मुख करके खड़े रहिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ आपको उत्तर मिल जाएगा, राइट हैंड की तरफ आपको दक्षिण मिल जाएगा। वही चीज जब आप पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड आपका जो है दक्षिण मिल जाएगा, राइट साइड आपका जो है उत्तर मिल जाएगा, अर्थात ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। राइट साइड आपका उत्तर हो जाएगा और लेफ्ट साइड आपका दक्षिण हो जाएगा। एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरी चीज ये कि सूर्य अगर निकलेगा सुबह का टाइम होगा तो सुबह के टाइम में सूर्य जो होता है वो पूर्व की तरफ होता है, सुबह के टाइम में सूर्य जो होगा वो पूर्व की तरफ होगा और शाम के टाइम में सूर्य जो होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। टाइप सेवन में केवल आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें जो है आपका बीच में सूर्य रहेगा, ठीक, बीच में सूर्य रहेगा और इधर आपकी परछाई रहेगी,
और इधर आपका व्यक्ति रहेगा। और व्यक्ति कौन सा रहेगा, व्यक्ति कौन सा रहेगा जिसके दाएं या बाएं, जिसके दाएं या बाएं परछाई बन रही है। ठीक, केवल आप यही एक कांसेप्ट याद रखिए और टाइप सेवन या परछाई से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। कौन सा याद रखना है कि सूर्य आपका बीच में रहेगा, उसके इधर परछाई रहेगी और उसके इधर जिस वह व्यक्ति रहेगा जिसके बाएं या दाएं तरफ आपका प्रतिबिंब बन रहा है। अगर हम कह दें कि यम और यज या मोहन, मोहन और सीता, मोहन और सीता सुबह के टाइम में एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे हैं। भाई अगर आप किसी से बात करेंगे तो एक दूसरे की तरफ मुख करके ही बात करेंगे, मतलब सामने खड़े होकर के ही बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो इधर देख रहा है और तुम इधर देख रहे हो, तो सामने जब तक नहीं होगे तब तक बात तो करोगे नहीं। तो कह रहा है कि मोहन और सीता सुबह के टाइम में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मोहन की परछाई सीता के बाई ओर बनती है, मोहन की परछाई सीता के बाई ओर बनती है। मतलब क्या हुआ, हमने क्या कहा कि यहां पर उस व्यक्ति को रखना है जिसके दाएं या बाएं तरफ परछाई बन रही है। तो हमने कहा कि मोहन की परछाई सीता के बाई ओर बनती है, इसका मतलब कि यहाँ पे सीता हो जाएगा और यहाँ पे सूर्य हो जाएगा आपका, और परछाई जो बन रही है वो आपके बाई ओर बन रही है। इधर बन रही है, बाई ओर बन रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सीता और यहाँ पे सूर्य है। और चूंकि हमने कहा कि सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम जो है सूर्य किधर निकलेगा, तो सूर्य पूर्व की तरफ निकलेगा अर्थात ईस्ट की तरफ निकलेगा। सुबह के टाइम सूर्य ईस्ट की तरफ निकलेगा और परछाई बाई ओर बन रही है, तो ईस्ट का बाई ओर क्या हो जाएगा, ईस्ट मतलब पूर्व, और पूर्व का बाई ओर क्या हो जाएगा, तो पूर्व का बाई ओर अर्थात क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सीता का मुख जो है, सीता का मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। सीता का मुख जो है वो उत्तर की तरफ है। तो अगर मोहन, मोहन का मुख पूछा जाए तो मोहन का मुख क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। जहां तक हमारा मानना है कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। केवल आप एक चीज याद रखिए कि आप या यही कांसेप्ट याद रखिए बस कि जो व्यक्ति रहेगा जिसके बाएं या दाएं दिया गया है उसको लिखिए, बीच में आपका सूर्य रहेगा, उसके बगल आपकी परछाई रहेगी। उसके बाद फिर आप चूंकि कह रहा है कि सीता और मोहन एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बात कर रहे हैं, सीता और मोहन एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तो सीता और मोहन एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे हैं और मोहन की परछाई सीता के बाई ओर बनती है। मोहन की परछाई सीता के बाई ओर बनती है, क्योंकि सूर्य सुबह का टाइम है तो सूर्य पूर्व की ओर रहेगा और पूर्व के बाई ओर परछाई बन रही है। इसका मतलब कि पूर्व का बाई अर्थात उत्तर की तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि सीता का जो मुख होगा वो किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। अगर आपको समझने में समस्या हो तो जिधर सूर्य रहेगा आपका उधर, अगर आप जो है सुबह का टाइम है तो जिधर आप खड़े होंगे आपके उल्टी तरफ जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो वही चीज था यहाँ पे कि सीता का मुख जो होगा वो किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा, तो मोहन का मुख जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो एक बार आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। तो हाँ लो, मोहित, आशीष, दिलीप, कुंदन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए, हाँ कुछ दिन क्लास नहीं चल रही थी लेकिन अब क्लास चलेगी आपकी जो है, अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन नहीं सब मैनेज कर दिया गया है, सेटअप पूरा हो चुका है। 1 तारीख से आपकी क्लासेस प्रॉपरली चलेंगी, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जल्द ही आपकी मैथ की जो है महामैराथन स्टार्ट होगी जिसमें मैथ का एक एक चैप्टर एक एक दिन में समाप्त होगा आपका, ठीक। तो वो स्पेशली क्लास होगी, जैसे शुक्रवार हो गया और बृहस्पतिवार हो गया या मंगलवार हो गया, वो टाइम हम डिसाइड करेंगे
एक दिन में एक चैप्टर आपको खत्म होगा, याद रखिएगा। अगर आप हमारे पास बने रहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर दिया जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं। अगर कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक सुबह दो दोस्त कौन कौन सा नाम, आप कविता और रीता, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक। कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कविता की परछाई रीता के दाई ओर बनती है, कविता की परछाई रीता के दाई ओर बनती है। तो मैंने कहा कि यहां पर वह व्यक्ति रहेगा जिसके बाई या दाई तरफ परछाई बन रही है। तो मैंने कहा कि कविता की परछाई रीता के बाई दाई ओर बनती है, मतलब रीता के दाई ओर बनती है। इसका मतलब यहां पे कौन रहेगा, यहां पे रीता रहेगी। और सूर्य आपका पूर्व की तरफ रहेगा, जो कि सुबह का टाइम है। और परछाई कह रहा है कि कविता की परछाई रीता के दाई ओर बनती है, इसका मतलब परछाई आपका किधर है, परछाई आपका दाई ओर है। अब हमने क्या कहा कि पूर्व है और पूर्व के दाई ओर परछाई बन रही है, मतलब पूर्व है और पूर्व के दाई ओर परछाई बन रही है, इसका मतलब कि दक्षिण। दक्षिण का मतलब क्या हुआ कि जो रीता की रीता का मुख जो है वो किधर है, दक्षिण की तरफ है। रीता का मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है, तो जो कविता का मुख होगा, कविता का मुख किधर हो जाएगा बताइए, कविता का मुख जो होगा वो हो जाएगा आपका उत्तर की तरफ, ठीक। कविता का मुख जो हो जाएगा वो आपका किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो देखिए, जैसे एक प्रश्न और हम लेते हैं, एक प्रश्न और आपको बताते हैं कि एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुमित की परछाई सुमित के बाई ओर बनती है, सुमित की परछाई सुमित के बाई ओर बनती है। मैंने क्या लिया कि सुमित की परछाई सुमित के बाई ओर बनती है, इसका मतलब कि जो परछाई बन रही है किसकी बन रही है, सुमित की बन रही है, अर्थात सुमित के बाई या दाई बन रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सुमित लिया। तो सुबह का टाइम है, इसका मतलब सूर्य किधर होगा, पूर्व की ओर होगा, और परछाई बाई ओर बन रही है, और बाई ओर बन रही है मतलब पूर्व का बाया क्या हो जाएगा, तो पूर्व का बाया हम देख रहे हैं उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुमित का जो मुख होगा, सुमित का मुख उत्तर की तरफ होगा, और अगर सुमित का मुख उत्तर की तरफ होगा तो मोहित का मुख हो जाएगा दक्षिण की तरफ, ठीक। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। जैसे कि एक प्रश्न मैं और लेता हूं इस नियम से कि एक सुबह मोहन एक खंभे के सम्मुख खड़ा हो जाता है। एक सुबह मोहन एक खंभे के सम्मुख खड़ा हो जाता है। खंभे की परछाई मोहन के दाई ओर बनती है। खंभे की परछाई मोहन के दाई ओर बनती है, तो हमने कहा परछाई जिसकी तरफ बनेगी उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चूंकि खंभे की परछाई मोहन के दाई ओर बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे मोहन है, और सुबह का टाइम है तो सूर्य आपका पूर्व की तरफ रहेगा, और परछाई दाई ओर बन रही है अर्थात दाई, तो पूर्व के दाई ओर परछाई बन रही है मतलब दक्षिण। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन का जो मुख है, मोहन का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ये था आपका टाइप 7। टाइप 7 में अगर मान लीजिए पश्चिम की तरफ अर्थात शाम का टाइम होता तब क्या होता, एक प्रश्न उससे देख लीजिए कि एक शाम के समय राधा और नितिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शाम के समय राधा और नितिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
नितिन की परछाई राधा के बाईं ओर बनती है, यानी कि राधा के बाईं ओर बनती है, इसलिए हमने यहां पे राधा लिखा। और शाम का टाइम है, इसका मतलब सूर्य किधर रहेगा, पश्चिम की तरफ रहेगा। और परछाई आपकी दाईं तरफ बन रही है, इसका मतलब पश्चिम का दाया। तो पश्चिम का दाया क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम का दाया आपका हो जाएगा उत्तर। इसका मतलब ये हुआ कि राधा का जो मुख है, राधा का जो मुख है वो किधर होगा, वो उत्तर की तरफ होगा। राधा का मुख उत्तर की तरफ होगा, तो नितिन का मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा, अर्थात उसका उल्टा। तो ये था आपका टाइप 7। उसी तरह अगर हम टाइप 8 की बात करें, तो टाइप 8 में आपका धुआं से संबंधित रहेगा। मतलब क्या हुआ, धुएं से संबंधित कि एक रेलगाड़ी जा रही है, उसका धुआं जो है पूर्व दिशा में जा रहा है और हवा पश्चिम दिशा की ओर चल रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो उसके लिए आप केवल एक कांसेप्ट याद रखिए कि जो धुआं होता है वो ट्रेन के विपरीत रहता है, ट्रेन के विपरीत रहता है प्लस हवा। मतलब कि ट्रेन की विपरीत दिशा में धुआं चलता है और प्लस हवा जिधर चलेगी उधर चलता है, ठीक। तो ये था आपका धुआं का डायरेक्शन। जैसे मैं कह दूं कि एक ट्रेन पूर्व दिशा में चल रही है, तो अगर ट्रेन पूर्व दिशा में चलेगी तो उसका धुआं किधर जाएगा बताइए, ट्रेन के विपरीत। मतलब पूर्व दिशा में चल रही है तो धुआं पश्चिम जाएगा, अगर पश्चिम में चलेगी तो धुआं पूर्व में जाएगा, ठीक। तो ये चीज था कि पूर्व में चल रही है तो धुआं पश्चिम में जाएगा। अगर कह दिया जाए कि एक ट्रेन पश्चिम की ओर चल रही है, ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेन पश्चिम की ओर चल रही है और हवा उत्तर की तरफ चल रही है, और हवा उत्तर की तरफ चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा उत्तर की ओर है, ट्रेन पश्चिम की ओर है, तो जो धुआं होगा वो इस दोनों के बीच में होगा, अर्थात उत्तर पश्चिम। जो धुआं होगा वो किधर होगा, उत्तर पश्चिम में होगा। तो ये चीज है हमारा धुआं से संबंधित, धुआं में कुछ नहीं करना, केवल ट्रेन के विपरीत धुआं चलेगा, लेकिन अगर ट्रेन स्थिर है, ट्रेन अगर खड़ी है, तो जो धुआं होगा वो हवा के दिशा में चलेगा, ट्रेन की दिशा में विपरीत नहीं चलेगा। मतलब अगर कह दिया जाए कि एक ट्रेन पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी है और हवा दक्षिण की तरफ बह रही है, तो धुआं किधर जाएगा, तो जिधर हवा बहेगी उधर आपका धुआं चला जाएगा, ठीक। तो ये था आपका डायरेक्शन का जो हमने शेष पार्ट बचाया था, जो आपका दो टाइप छूट गया था वो ये था। एक टाइप और बनता है टाइप 9 आपका। टाइप 9 में आपको कुछ नहीं करना, टाइप 9 में केवल आपको बताया जाएगा। टाइप 9 का मतलब ये है कि केवल ये कह दिया जाएगा कि a@b का मतलब हुआ कि a b के पूर्व है, फिर b है c का मतलब हुआ b c के दक्षिण है, ठीक, और d*e का मतलब हुआ d e के पश्चिम है। तो a e के किस दिशा में होगा, a e के किस दिशा में होगा, तो इसको केवल हम सेट कर लेंगे कि a*b का मतलब, जैसे इसमें कह दिया जाए कि p@c हैज d*f में p f के किस दिशा में होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो हम इसको बताएंगे। इसके बाद जो आपका चैप्टर रहेगा वो आपका महामैराथन चलेगा क्लॉक का, क्लॉक के बाद कैलेंडर का, एक क्लास में पूरा क्लॉक आपका खत्म कर दिया जाएगा, 2 से 3 घंटे रहेंगे, और 4 टाइप है क्लॉक में, वो पूरा आपका समाप्त कर दिया जाएगा, आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।